हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ सूजी के ढोकले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में बेल बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये आसान सा ढोकला बनाना। सूजी का ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब सूजी ली है, तो इसे बोल में डाल देते हैं। 1 कप सूजी में मैं 1 कप दही डाल दे रही हूँ। और साथ में यहाँ पर डाल ले रहे हैं नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें मैं 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तो छोटे चम्मच से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच हरी मिर्च और अदरक को इस तरीके से मैंने कूट कर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं इसे आप। हरी मिर्च आपको पसंद नहीं है, कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। हरी मिर्च और अदरक डालने से जो इसका फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो मैंने 1 कप पानी लिया था, आधा कप डाल दिया है, और इसको मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और इसे मैं ढककर रख दे रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है हमारी फूल जाए। यहाँ पर मैंने ढक दिया है इसे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं सूजी को रखे हुए और सूजी हमारी फूल गई है काफी। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और यहाँ गैस पर मैंने एक स्टीमर चढ़ाया हुआ है जिसमें हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 ग्लास पानी डाल दिया नीचे, और ये रख दिया इसके ऊपर, और इसका हम ढक्कन कवर कर देते हैं। और जब तक ये पानी हमारा बॉईल हो रहा है तब तक हम ढोकला बनाने वाला बर्तन तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने स्टीमर का यूज किया है, इसकी जगह पर आप कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम केक बनाने के लिए कढ़ाई तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार करनी है कढ़ाई भी, लेकिन उसमें हमें 2 से 3 ग्लास पानी डाल देना है स्टैंड के नीचे तक, और सेम बिल्कुल ऐसे ही स्टीमर हमारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसको स्टीम करने के लिए गैस के फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने केक वाला ही टिन लिया है इसे बनाने के लिए। इसकी जगह पे आप स्टील का भी कोई बर्तन ले सकते हैं या फिर प्लेट ले सकते हैं, और इसको ग्रीस कर लेंगे जैसे हम केक के लिए ग्रीस करते हैं। तो 1 चम्मच तेल डाल के इसे ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर आप स्टील के किसी भी टिफिन बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा ढोकला है बहुत आराम से निकल के आ जाए। ये हमारा बर्तन भी तैयार हो गया है, और सारी चीजें तैयार कर लेने के बाद पानी भी हमारा बॉयल होना शुरू होने वाला है। तो ये मैंने यहाँ पर एक इनो फूड सॉल्ट का पैकेट लिया है, इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके ऊपर ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। मिक्स कर लेंगे बहुत आराम आराम से। अगर आपका बैटर थोड़ा ज्यादा गाढ़ा रह जाता है तो आप उसमें पानी डाल के उसको पतला कर सकते हैं। ये मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट भी मिक्स कर लिया है इसमें। और मिक्स करने के बाद फटाफट से इसे हम केक वाले बर्तन में डाल देंगे जिसको हमने ग्रीस करके रखा हुआ है। और
और ये हमारा ढोकले का बैटर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब इसे हम स्टीमर में डालते हैं। तो यहाँ पर पानी बॉईल होना शुरू हो गया है और इसमें मैं ये बर्तन डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये ढोकले वाला बर्तन डाल दिया है और इसको मैं ढक दे रही हूँ। गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे 15 से 20 मिनट तक हम इसे स्टीम करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक नाइफ लिया है, नाइफ की हेल्प से चेक कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, इसमें कुछ भी गीला गीला ऐसा नहीं है। तो अब ये हमारा ढोकला बन के तैयार हो गया है और ये ढोकले वाला बर्तन मैं स्टीमर से निकाल लेती हूँ। यहाँ पर ये बर्तन मैंने स्टीमर से निकाल लिया है और इसे हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर ढोकला जो है हमारा हल्का ठंडा हो गया है तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम किनारों को अलग करेंगे। इस तरीके से लाइफ डालकर किनारों को अलग करने के बाद इसके ऊपर हम एक प्लेट लगाएंगे और इसे हम फिर उसको उल्टा कर देंगे इस तरीके से। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी ढोकला तैयार हुआ है हमारा, बहुत ही जालीदार। तो अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए मैं एक प्लेट यहाँ पे लगाऊंगी और इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे और दूसरे प्लेट में रखने के लिए ये सीधा कर लिया हमने। और अब इसके ऊपर एक तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए गैस पर मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया है और गैस के फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है और 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने तेल डाल दिया है। और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें हम काली सरसों के दाने डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं काली सरसों के दाने डाल दे रही हूँ, साथ में यहाँ पर मैंने 2 पिंच हींग लिए है, ये डाल दे रहे हैं। और साथ में यहाँ पर मैंने 1 चौथाई चम्मच, थोड़ा ज्यादा मैंने यहाँ पर सफेद वाली तिल ली है वो डाल दिया मैंने यहाँ पर। कुछ करी पत्ते डाल दे रही हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर हरी मिर्च ली है मैंने, इस तरीके से काट लिया, ये डाल देते हैं। और गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि तेल इतना गर्म हो गया कि तड़का हमारा आराम से पक जाएगा। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और साथ में यहाँ पर मैं आधा नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। तड़का हमारा बनके तैयार हो गया है और इस तड़के को एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये जो ढोकला है इसके ऊपर हम ये तड़का फैला देंगे। चारों तरफ हम अच्छे से फैला लेंगे इसे। इसे अब कट कर लेते हैं। साइज आप जैसे भी रखना चाहे वैसे रख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही जालीदार ढोकला हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इस ढोकले की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।